चलिए आज बात करते हैं हम गुरु ग्रह के बारे में। ज्योतिषी में अगर गुरु 12 भावों में है तो वो आपको क्या परिणाम देगा? अगर जातक की कुंडली में गुरु प्रथम भाव में है, अगर लगन में गुरु है तो वो अच्छा है, वो कुंडली के 100 दोषों को भी माफ कर देता है, एक अच्छा भाग्यशाली योग है, ऐसा व्यक्ति बहुत हसमुख होगा, अच्छी नॉलेज देता है। ऐसे जातक का बचपन बहुत अच्छा रहता है, बचपन में वो जो चाहे वो चीजें पा लेता है, एक साथ कई चीजों का ज्ञान होता है, बहुत ही रिलीजियस होता है। ऐसे जातक की मैरिड लाइफ भी अच्छी रहती है, ऐसे जातक अच्छी एडवाइस देते हैं। लेकिन अगर मैलिफिक प्लैनेट के साथ में ये आ जाए या उसका इफेक्ट इस पे आ जाए तो जातक सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है। जिस भी जातक का गुरु दूसरे भाव में होगा वह जातक बहुत क्लियर स्पीच में बोलेगा, बिल्कुल हर चीज की क्लैरिटी होगी, झूठ से तो वो कोसों दूर रहेगा। उसकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी होगी, जो भी काम करेगा उसको भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, इनकम उसकी अपने आप ही बढ़ती जाएगी। ऐसे जातक की एस्ट्रोलॉजी अच्छी होती है, एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए यह एक अच्छा योग है। गुरु इन थर्ड हाउस, ये भी एक अच्छी प्लेसमेंट मानी जाती है। ऐसे जातक के लिए इनके छोटे भाई बहन बहुत लकी होते हैं, छोटी छोटी यात्राओं से इन्हें लाभ होता है, इनकी राइटिंग और लिसनिंग और सिंगिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा कर लेते हैं, बहुत अच्छे नॉलेज वाले होते हैं, बहुत अच्छे मेंटोर होते हैं। ऐसे जातक की वॉइस ऊंची होती है। गुरु इन फोर्थ हाउस, ऐसे जातक को अपनी माँ से बेनिफिट मिलता है। ऐसे जातक की माँ बहुत ही ज्ञानवान, बहुत ही आशावादी होती है, पॉजिटिव एटीट्यूड वाली होती है, दिल बहुत बड़ा होता है, बहुत हसमुख स्वभाव के होते हैं, बच्चों से रिलेशनशिप बहुत अच्छी रहती है, बच्चे इनके बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन बच्चों से इनके रिश्ते बहुत अच्छे से सामंजस्य नहीं बैठ पाता। व्यक्ति अपने घर में ही खुश रहता है, धार्मिक विषयों में ही ज्यादा रुचि लेता है, एक शांतिपूर्ण लाइफ बीतती है, प्रॉपर्टी का सुख मिलता है। जिस भी जातक की पत्रिका में अगर गुरु पांचवे भाव में होगा तो वह जातक के रिलेशन अपने संतान से बहुत अच्छे होंगे, इनकी राइटिंग स्किल्स अच्छी होगी। इन जातकों का जो है लाइफ जो सेटल्ड होगी ना, वो इनके बच्चे होने के बाद होती है सेटल। ऐसे जातक की लव अफेयर्स जो है सफल हो जाते हैं, यानी कि लव मैरिज वगैरह के चांसेस रहते हैं, अच्छी इनकम के सोर्सेज भी बन जाते हैं। गुरु इन सिक्स हाउस, यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है। ऐसे जातक की हेल्थ खराब रह सकती है, मोटापा बढ़ जाता है, डाइजेशन में परेशानी आ जाती है। इन्हें मेडिकल की नॉलेज होती है, लीगल नॉलेज होती है, संतान प्राप्ति में दिक्कतें आ जाती हैं। अगर यहाँ पे फीमेल की कुंडली में सिक्स हाउस में गुरु आता है तो उस जातक को बहुत ज्यादा बर्दाश्त, अपनी लाइफ में हर चीज को बर्दाश्त करना पड़ता है, चिड़चिड़ा स्वभाव रहता है। ऐसे जातक को पावरफुल लोगों से हेल्प भी मिल जाती है। सेवेंथ हाउस में अगर गुरु आ जाए तो ऐसे जातक की मैरिड लाइफ अच्छी नहीं होती, क्योंकि गुरु जिस भाव में बैठता है उस भाव के प्रभाव को बढ़ा देता है, इतना अधिक बढ़ा देता है कि तलाक तक भी करवा देता है। सहन शक्ति कम हो जाती है जातक की। शादी के बाद प्रोफेशन ग्रोथ करता है, पैसे वाला होता है, इनकम अच्छी हो जाती है। एट हाउस में अगर गुरु है तो पार्टनर से धन प्राप्त होता है जातक को, गुप्त विद्याओं से धन कमाता है, अच्छी उम्र होती है, लंबी उम्र होती है, लेकिन बच्चों के होने में दिक्कत हो जाती है, बच्चों से रिलेशनशिप अच्छे नहीं होते हैं। नाइन्थ हाउस में अगर गुरु है तो ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट मानी जाती है, क्योंकि ये धर्म का भाव है, व्यक्ति धार्मिक होगा, इसे अपने बच्चों से फायदा होता है, लेकिन एरोगेंट होता है। जातक अपनी सेल्फ मेड लाइफ बनाते हैं, अच्छी एजुकेशन होती है। टेंथ हाउस में गुरु कर्म का भाव है, टीचिंग में हो सकता है, एक रेपुटेटेड व्यक्ति हो सकता है, होटल मैनेजमेंट या फूड का काम कर सकता है, सोशल सर्कल से में अपना नाम कमाता है, कमाई के कई साधन होते हैं, अच्छा परिवार होता है, अपने कॉम्पिटिटर से फायदा होता है। इलेवेंथ हाउस में गुरु अच्छा माना जाता है, फ्रेंड्स बहुत लॉयल होते हैं, दूसरों को बहुत ज्ञान देते हैं, अपनी सभी इच्छाएं पूरी कर लेते हैं, लाभ का स्थान है और गुरु वहां बैठ गया तो उस भाव को और बढ़ा दिया, यानी कि जिस भी चीज में वो हाथ डाल रहे हैं तो उसको लाभ जो है दुगना कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। ट्वेल्थ हाउस में गुरु मोक्ष की प्राप्ति का रास्ता है, मोक्ष प्राप्ति कर लेता है, देश की यात्राएं करवाता है,
जातक धार्मिक हो जाता है, अकेले रहना पसंद करता है। मेटलिस्टिक आइटम्स के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत अच्छा है। लाइफ का सेकंड हाफ इनका बहुत अच्छा रहता है। शुरुआत में इन्हें काफी स्ट्रगल्स होने पड़ते हैं, उन स्ट्रगल्स से आगे निकलते निकलते ही बहुत आगे निकल जाते हैं और धार्मिकता का रास्ता अपना लेते हैं। जब ये धर्म के मार्ग पे चल पड़ते हैं तो इनके लिए मोक्ष का द्वार खुल जाता है। तो ओवरऑल आज आपको हमने इसमें बताया कि गुरु जिस भी जातक की जिस भाव में बैठेगा उसको क्या रिजल्ट देगा। आप लोग भी अपनी एस्ट्रोलॉजी अपना चार्ट खोल के देख सकते हैं, गुरु आपके किस भाव में बैठा है। आप भी देखेंगे कि आपके साथ में कितना रेजोनेट करके देखेंगे, आपके साथ कितना मैच हो रहा है। आज की वीडियो हमारी यहीं तक। थैंक यू।